मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। किस चीज से डरते हैं वे, और वो भी इतना ज्यादा। एक कार्टून हो गया, एक कमेंट हो गया, एक फैक्ट चेक हो गया, इन सबसे, इन सरकारों को इतना बड़ा खौफ क्यों? वो भी तब जब पूरे देश में उनकी मनमर्जी की सरकार है, उनकी मनमर्जी का राज है, उनके मनमर्जी के कॉरपोरेट जब मन चाहे जिस चीज की कीमत बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा देते हैं। जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों में ही आग नहीं लगी हुई है। हमारे जो एडिबल ऑयल्स हैं, खाने वाले तेल हैं, वे तो सैकड़ा, दो सैकड़ा पार करते जा रहे हैं। 200 से अधिक पहुंच गया खाने का तेल। और देखिए इस पे मोदी सरकार के मंत्री क्या बोलते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने खाने के तेल से मिलावट कम कर दी, इसलिए तेल की कीमतों में आग लग गई है। यानी वे जब जो चाहे कह सकते हैं, जितना चाहे झूठ इस देश की जनता के सामने परोस सकते हैं, और जब आप उस पे कलम उठाएं, उस पे कार्टून बनाएं, उस पे छोटा सा स्टेटमेंट ही क्यों ना दें, तो तूफान खड़ा होता है। आइए आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में, उन लोगों से करेंगे मुलाकात जिन्होंने तूफान खड़ा किया है, जिनके जरा जरा से कदम सरकार को भारी पड़ रहे हैं। सबसे पहले बात लक्षद्वीप की। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, देश दुनिया ने जानना शुरू किया था लक्षद्वीप के बारे में सेव लक्षद्वीप कैंपेन के जरिए। वो जो अभियान चला था जब वहां मोदी सरकार द्वारा भेजे गए प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल के फैसलों के खिलाफ वहां की 65,000 जनता उठ खड़ी हुई, उसने एक स्वर में बोलना शुरू किया कि जिस तरह के फैसले यह प्रशासक ले रहे हैं वह यहां के लिए बहुत ही घातक है, न सिर्फ संस्कृति के लिए बल्कि पूरे के पूरे इतने खूबसूरत इलाके के लिए। अब देखिए उस इलाके की एक बहुत ही बहादुर बेटी है, बहुत ही बहादुर लड़की है, नाम है उनका आयशा सुल्तान। वो वहां की पहली फिल्म मेकर हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, बहुत ही बुलंद तस्वीर हैं आज के नौजवानों की। उन्होंने एक टीवी डिस्कशन में कहा कि ये जो प्रफुल्ल के पटेल हैं, जिस तरह से इन्होंने इस लक्षद्वीप को, जो सुरक्षित था कोरोना से, इसे खोल दिया और यहां पर कोरोना आ गया, उस संदर्भ में, उस टीवी डिस्कशन में उन्होंने कहा कि यह एक बायो वेपन की तरह हमारे प्रदेश के लिए है, यानी एक जैविक हथियार के तौर पर उन्होंने उनकी संज्ञा दी। यह सब कुछ उन्होंने टीवी प्रोग्राम में कहा जहां बहुत उत्तेजक बहस चल रही थी। इसके बाद बहुत हंगामा हुआ, वहां भाजपा की इकाई ने जबरदस्त कहर काटा इस पर, और उसके बाद आयशा अपने स्टैंड पर कायम रही। उन्होंने अगले दिन फेसबुक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने क्रमबद्ध ढंग से बताना की कोशिश की कि आखिर उनके इस कहने का मतलब क्या है, वह क्यों मानती हैं कि प्रफुल्ल के पटेल का कदम इस छोटे से सुंदर से प्रदेश जहां वह पैदा हुई हैं, जिसे वह बचाने के लिए लड़ रही हैं, इतना खतरनाक है। वह पीछे नहीं हटी, वह डरी नहीं। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं, वह पहली महिला बनी, वह पहली लक्षद्वीप की नागरिक बनी जिनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया। वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ जो राष्ट्रद्रोह का मामला था उसे खारिज करते हुए साफ साफ कहा था कि सरकार की आलोचना, चाहे वो कितनी ही तीखी क्यों ना हो, कितनी ही बिटर क्यों ना हो, वह राष्ट्रद्रोह नहीं होती। लेकिन इन सरकारों को इससे फर्क क्या पड़ता है? कुछ भी नहीं। आप देखिए कि वहां पर एक कथन पर, एक डिबेट में प्रशासक को एक शब्द बोलने के आरोप में इस युवा अभिनेता, इस युवा फिल्म मेकर के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। बहुत विरोध हो रहा है इसका। और हमने बात की इस पूरे के पूरे प्रकरण पे लक्षद्वीप के सांसद फैजल से। आइए सुनते हैं कि फैजल कैसे देखते हैं, क्योंकि
इस राष्ट्रद्रोह के मुकदमे को दर्ज होने के बावजूद वहां की पूरी की जनता, सारे लोग आयशा के साथ बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं और वे कह रहे हैं यह लड़ाई अकेले इस लड़की की, इस महिला की नहीं है। फैजुल साहब, आप ये बताइए कि जिस तरह से अभी लक्षद्वीप में पहला मामला दर्ज हुआ है सेडिशन का, और वह भी एक ऐसी महिला के ऊपर जो फिल्म बनाती हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, आयशा सुल्ताना, ये कैसे आप देखते हैं आपके स्टेज के लिए? अच्छा, ये हकीकत के तौर पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस एक टीवी मीडिया के डिस्कशन के दौरान मैं भी उस डिबेट में था, तो एक घंटे का डिबेट था, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मीडिया वन चैनल का। उसमें बीजेपी की एक स्पोक्स पर्सन था, उनको हमने जो भी फैक्ट सामने रखा उसमें कुछ भी जवाब करने के लिए उसके पास कोई था ही नहीं। तो लास्ट में जाके सुल्ताना ने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, उसमें वो टूट पड़े और चिल्लाने शुरू कर दिए, और वो ये बताने की कोशिश की कि आयशा सुल्ताना ने केंद्र सरकार के खिलाफ या भारत सरकार के खिलाफ ये वेपन की वर्ड यूज किया, लक्षद्वीप में बायो वेपन भेजा। आयशा सुल्ताना बार बार इसकी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, लेकिन आखिरी टाइम था, वो टाइम शोर मचा हुए, टाइम खत्म हो गया, फिर डिबेट खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट डे आयशा सुल्ताना ने अपने वक्तव्य में फेसबुक में और उनकी वीडियो के द्वारा मीडिया को उन्होंने ये लफ्ज यूज करने का मतलब ठीक तरफ से समझाया कि मैंने इस उद्देश्य में नहीं की कि भारत सरकार या लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने बायो वेपन यूज नहीं किया, बल्कि प्रफुल्ल कोड़ा पटेल को सर्टिफाई करके, क्योंकि उन्होंने कोरोना लाने में उसका ही हाथ था, और जो कुछ भी आज लक्षद्वीप में हो रहा है वो सभी प्रफुल्ल कोड़ा पटेल की हरकत की वजह से हो रहा है, इसलिए मैंने उनको उसमें बायो वेपन के नाम यूज किया बोलकर उन्होंने वक्तव्य दिया। तो उसके बाद जाके लक्षद्वीप की बीजेपी की प्रेसिडेंट, उनको लक्षद्वीप का जो प्रभारी है अब्दुल्ला कुटी, उनकी प्रेशर में आकर और अब्दुल्ला कुटी ने जो बातें किया है इनके साथ और उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जो बात किया है वो पूरी मीडिया में आ गया है, एक बड़ा साजिश है। वो ये बता रहा था कि ये बीजेपी के लिए अच्छा मौका है, वो इसको हाथ से मत जाने देना, इसको देशद्रोही इसमें सेडिशन में केस चार्ज करना है और इसको पूरी मार्केट करना है, ये पूरी बातें मीडिया के सामने लीक होके आ गया था। तो उसमें से बात सामने आया कि ये खाली उनको थोड़ा टॉर्चर करना या ऐसे एक लेडी को जो अपनी सोसाइटल स्टेटस में है, लक्षद्वीप के लिए बात करते हैं, उनको दबाया जाए और उनकी नीयत को गलत अंदाज से पेश किया जाए, यही मकसद से किया हुआ है जी। इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि लक्षद्वीप में पहले से आंदोलन चल रहा है, अभी आपको क्या लगता है जो सेव लक्षद्वीप पलकपुर अभियान चल रहा है उसमें ये सेडिशन और पहला सेडिशन का मामला है इस तरह का, इसका क्या असर वहां के लोगों पे पड़ेगा या पड़ रहा है? नहीं, लक्षद्वीप फोरम ने बिल्कुल अपने वक्तव्य में उसकी प्रेस रिलीज में दे दिया है कि आयशा सुल्ताना को पूरी सपोर्ट दे दिया जाएगा और जो भी लीगल इम्प्लीकेशन या लीगली उनको हेल्प चाहिए पूरी सहायता लक्षद्वीप फोरम भी किया जाएगा। और मेरी तरफ से भी मैंने ये कमेंट दिया था, यानी कि इसके असर सेव लक्षद्वीप फोरम में कुछ भी मतलब वो उसकी मोरालिटी डाउन नहीं होगा, और इसके उल्टा बीजेपी को असर पड़ा हुआ है। बीजेपी से बहुत सारे लोग उनकी आयशा सुल्ताना की गांव से चतलत है उनके गांव, वहां से मेरे ख्याल में 10-15 लोग जो वक्फ बोर्ड में मेंबर है, खादी बोर्ड में मेंबर है और उनकी पार्टी सेक्रेटरी हैं, इन सबनों ने इस्तीफा दे दिया, और कल से लेकर आज भी मतलब बहुत सारे लोग बीजेपी से इस बीजेपी की इस हरकत से नाराज होकर अपने पार्टी से इस्तीफा देके बीजेपी के अंदर बड़ा एक प्रॉब्लम हो चुका है इसी सिलसिले को। लेकिन सेव लक्षद्वीप को लेकर इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम जो हमारे इश्यूज है
उसको सामने रखकर ही आगे जाएंगे और जब तक सेंटर प्रफुल्ल कोड़ा पटना तब तक हमारी आंदोलन चलते रहेंगे। व्यंग से बहुत डर लगता है इस सरकार को, कई बार अदालतों को भी बहुत परेशान हो जाते हैं जब स्टैंड अप कॉमेडियन सीधे सीधे टकराते हैं सत्ता से। और देखिए ना, इस कार्टून ने तो कोहराम ही मचा दिया है। इस कार्टून को हमने अपने पिछले खोज खबर कार्यक्रम में इस्तेमाल किया था। यह कार्टून है कार्टूनिस्ट मंजुल का। मंजुल बहुत जाने माने कार्टूनिस्ट हैं, लंबे समय से इस पेशे से जुड़े हुए हैं और बहुत ही तीखे राजनीतिक कार्टून बनाने के लिए जाने जाते हैं। बाकी तमाम अपनी बिरादरी के साथ साथ वे बिल्कुल रीढ़ को सीधा करके खड़े हुए हैं, बिना डरे हुए, बिना किसी भी तरह का खौफ खाए वे बात करते हैं बिल्कुल सीधी सीधी। और यह ट्वीट मोदी सरकार के लिए बहुत परेशानी वाला हो गया, क्योंकि इसमें उन्होंने दिखाया अपने कार्टून के जरिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में गायब हो गए थे, लापता सरकार थे वे, और जब कोरोना वेव चली गई तब फिर कैमरे के सामने आकर खड़े हो गए। इस पर सरकार ने, उसकी एजेंसी ने आपत्ति जताई और ट्विटर ने यह आपत्ति पहुंचाई एक कंप्लेन के रूप में मंजुल के पास। और उसके बाद एक दूसरे ढंग का माहौल बन गया जिसे कहते हैं इंटिमिडेशन का, दबाव का। लोगों को लग रहा था कि जिस तरह का माहौल एक एक ट्वीट पर सरकार बना रही है, ट्विटर पर असर डाल रही है, ट्विटर नोटिस भेज रहा है, ट्विटर की नोटिस भेजना ऐसा हो गया जैसे आपके घर में कुरियर या बाकी मैसेज का आना। आखिर मंजुल किस तरह से इस बात को देखते हैं, हमने उनसे बात की, सुनते हैं खुद मंजुल से। मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल एक सामान्य सा है, एक जोक है जो आप क्रैक कर रहे हो और इससे किसी को कोई दिक्कत हो नहीं सकती, और वो भी आप बहुत सभ्य तरीके से क्रैक करते हो। मतलब आप कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हो, आप किसी को गाली नहीं दे रहे हो, आप इससे ऐसा तो लगता है कि उनका चेहरा या उनका झूठ कुछ बेनकाब होता है, क्योंकि जो चीजें लंबे लेख में पढ़ के पहुंचता है वो बिल्कुल विजुअली आपके पास पहुंचता है। जैसे अब ये है कि दो लोग खड़े होके कहीं बातचीत कर रहे हो और तीसरा आदमी उससे दूर कहीं खड़ा हो और उसने कुछ गड़बड़ की हो, तो उसको हमेशा ये लगेगा कि यार ये लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं या मेरी बुराई कर रहे हैं, तो उस बात का तो कोई इलाज है। मतलब अब वो आपकी अपनी सिक्योरिटी है जिसकी वजह से आपको किसी भी चीज से डर लग सकता है। तो अब सरकार को ये लगता है कि यार उसने ठीक से परफॉर्म नहीं किया है तो उसको छोटी सी बात से भी दिक्कत हो सकती है ना। तो वो सरकार की दिक्कत है, वो हमारी दिक्कत नहीं है। हमारा तो एक काम है जो हम सालों से कर रहे हैं और उस काम के अलावा हमें कुछ आता नहीं है। ये बताएं कि अभी जो पूरा घटनाक्रम हुआ, वो जो आपका कार्टून था जिसपे ट्विटर ने आपको नोटिस दिया, उसके बाद क्या आपके ऊपर एक प्रेशर है कि आप किस तरह के कार्टून बनाएं, किस तरह, क्योंकि काफी उसकी उस पर आपकी ट्रोलिंग हुई, काफी अलग अलग ढंग से आप पे दबाव बना। उन दबाव पे हम नहीं जा रहे, लेकिन सीधे पूछने की एज अ आर्टिस्ट ये प्रकरण आपके लिए क्या क्या मायने रखता है? देखिए, ट्रोलिंग तो हमेशा, मतलब जब से सोशल मीडिया आया है उसमें अगर कुछ हिस्से को छोड़ दें, मतलब जैसे अगर आप कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी उस समय जब आप कार्टून बना रहे थे तब ट्रोलिंग उतनी नहीं थी, लेकिन जब से सरकार बदली है तब से ट्रोलिंग जो है ऑब्वियसली हर आदमी की हो गई है जो भी सरकार के खिलाफ कुछ कह रहा है। तो ट्रोलिंग तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि वो किस कारणों से की जा रही है, तो उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। और ट्रोलिंग से बचने का तरीका जो है वो सोशल मीडिया में ऑलरेडी है, आपको थोड़ा टाइम आपका बर्बाद होगा, लेकिन आप ये कर सकते हो कि जो ये अननेसेसरी लोग हैं जो आपको खामखा केवल, मतलब दे आर नॉट विलिंग टू इंगेज यू इन सम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, उनका सिंपली ये कहना है कि भाई आप जो कर रहे हो गड़बड़ करते हो, और वो तुरंत पर्सनल होने की कोशिश करने लगेंगे, वो तुरंत आपसे बेवकूफ़ी की बातचीत करने की कोशिश करने लगेंगे, तो उनके लिए वो रास्ता है कि आप उनको म्यूट कर दीजिए या ब्लॉक कर दीजिए, तो वो तो हैंडल किया जा सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत ये है कि जब सरकार को आपसे दिक्कत होने लगेगी और वो इस बात को बाकायदा जाहिर करेंगे कि उन्हें आपसे दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि अब इस तरह से भाई बहुत सारे लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि उनके पास नोटिस आए या उनके घर पुलिस आए या, पर जो कानून से डरने वाले लोग हैं या जिनको पता है कि कानून में चीज़ें कैसे काम करती हैं और जो देख रहे हैं कि इस समय हालात क्या हैं और कानून किस तरह से लोगों के साथ बिहेव कर रहा है, उनको तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ उनकी ज़िंदगी में एक बार भी होगी तो उनको दिक्कत होगी। मेरे साथ ये पहली बार हुआ, मुझे दिक्कत है, मुझे वाकई दिक्कत है, और
अगर ये हो जाए कि सरकार के आप रडार पे हैं, तो आपसे जुड़े हुए जो भी लोग होंगे सबको दिक्कत होगी। अब अगर मेरे घर वालों को पता चलेगा कि ये हो रहा है तो वो परेशान हो जाएंगे, अगर मेरे मित्रों को पता चलेगा कि वो हो रहा है वो पता परेशान हो जाएंगे, मेरे एम्प्लॉयर्स को पता चलेगा या जो लोग मेरे क्लाइंट्स हैं उनको पता चलेगा तो वो भी उनको भी घबराहट होने लगेगी। तो ये इस तरह के मैसेजेस जो आप भेज रहे हैं सोसाइटी में कि आप सबको नोटिस भेज रहे हैं और बगैर किसी वैलिड रीजंस के, जैसे कल मैंने पढ़ा कि आल्ट्यूज के प्रतीक सिन्हा ने एक ट्वीट किया था कि भाई ये जज करने का अधिकार कि ये जो बात कही जा रही है ये बात कानून के दायरे, कानून का उल्लंघन है, ये कोई पुलिस वाला कैसे कर सकता है? ये डिसाइडिंग फैक्टर जो ये जो डिसाइड करना है ये पुलिस वाले तो नहीं कर सकते ना। ये तो अगर इस तरह का कोई नोटिस भेजा जा रहा है तो एक तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि क्या कानून तोड़ा गया है आप ये बताइए, और ये कानून तोड़ा गया है हाँ नहीं, और कानून तोड़ा गया है वो तो अदालतें तय करती है ना भाई। आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि कानून तोड़ा गया है, आपको लिख दिया गया कि आप कानून तोड़ रहे हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा, और मुझे लग रहा है जब नए आईटी रूल जिस तरह की ये बता रहे हैं कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं उनको हर हालत में कंप्लाई करना पड़ेगा, सरकार जो कहेगी वो उन्हें करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा दिक्कत का सबब है उन सारे लोगों के लिए जो अभी भी कहीं ना कहीं, हालांकि सरकार का क्रिटिसिज्म बहुत कम है, आप ओवरऑल देखिए तो ऐसा लगता है कि जो 99% मीडिया है वो तो ऐसा लग रहा है इतना खुश है और इतना खुशहाल देश कभी रहा ही नहीं है, तो वो तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं। वो 1% लोग हैं जो उनको बहुत कम लोग देखते जानते हैं, सरकार को उनसे भी दिक्कत है कि भाई आप क्यों कह रहे हैं, जब 99% लोग इतने खुश हैं तो आप कैसे हम लोगों का मजाक बना सकते हैं। तो ये है इस समय इस तरह की हालत। सिर्फ कार्टून बनाने वाले ही नहीं, सिर्फ व्यंग करने वाले ही नहीं, सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन ही नहीं, बहुत बड़ी फहरिस्त है जिनसे ये सरकार डरती है, और उसमें फैक्ट चेकर्स भी हैं, यानी सच को सामने लाने वाले लोग। ऐसे ही व्यक्ति एक हैं जुबेर, जो काम करते हैं ऑल्ट न्यूज के साथ। इस समय ऑल्ट न्यूज एक ऐसा न्यूज प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अपने आप में दुर्लभ प्लेटफॉर्म, जो काम करता है कि जो फेक न्यूज आती है, यानी फर्जी खबरें, फर्जी वीडियो, फर्जी सूचनाएं जो ट्रोल आर्मीज भेजती हैं, प्रसारित करती हैं व्हाट्सएप पे, भ्रम फैलाती हैं, दंगे करवाती हैं, मतभेद करवाती हैं, तनाव पैदा करती हैं, ये सारी खबरों का पर्दाफाश करना, उनके बारे में तथ्यों को सही सही ढंग से लाना, यह सब काम कर रहा है ऑल्ट न्यूज। इसके को फाउंडर हैं जुबेर। जुबेर से हमने बात की तो पता चला कि एक साल में 11 बार, जी हाँ 11 बार ट्विटर इस तरह की नोटिसें उनको दे चुका है, और उसकी वजह यह है कि हर बार उन्होंने भाजपा, भाजपा के जुड़े समर्थकों, दंगों के समय तनावपूर्ण फैलाने वाली खबरों, वीडियो, इन सब का पर्दाफाश किया, खुलकर बताया कि ये फर्जी खबरें, फर्जी वीडियोस हैं। आइए सुनते हैं जुबेर किस तरह से ये लगातार जो दबाव बन रहा है इसे झेल रहे हैं और झेलते हुए सच को सामने रख रहे हैं। मुझे लगभग 10 से 11 बार नोटिस भेजी गई ट्विटर के जरिए से, उसमें आउट ऑफ मतलब 11 में 10 जो नोटिस आई हैं वो इंडिविजुअल ट्वीट्स के ऊपर आई हैं, समझिए मतलब पिछले साल अप्रैल से मुझे नोटिस आती आ रही हैं, और उसमें एक बार मेरे अकाउंट को लेके नोटिस आई थी कि ये ट्विटर के पॉलिसी के अगेंस्ट है व्हाटएवर। तो जो 10 नोटिसें आई हैं वो मेरे इंडिविजुअल ट्वीट्स के ऊपर आई हैं। उसमें मज़ेदार बात यह है कि दो जो ट्वीट्स आई हैं उस पर मैंने फैक्ट चेक किया था। एक तो पिछले साल कंगना रानावत की बहन थी रंग कंगोली, आई फॉरगॉट हर नेम, मतलब उनके नाम भूल रहा हूँ, उनका अकाउंट हुआ करता था, उन्होंने एक फोटो डाली थी जिसमें एक मतलब एक खबर है, एक लड़की है, लड़की आके कॉफिन पे सो रही है, मतलब नंगी लड़की कॉफिन पे सो रही है, और वो फोटोशॉप था। उसमें उनका कैप्शन था कि ये देखिए मुसलमानों में लड़की मरने के बाद इनका रेप किया जाता है, ब्ला ब्ला, लड़कियों और जानवरों को ऐसा कुछ, तो वो फोटोशॉप था। तो मैंने असली फोटो डाल के, हमने उसका आर्टिकल तो नहीं लिखा था, तो मतलब क्योंकि वो वायरल हो रहा था, मैंने सोचा कि आर्टिकल लिखने से पहले उनको कॉल आउट कर दूंगा। तो मैं असली जो फोटो थी, एक लड़की उसमें कुछ थी नहीं, वो बस एक कॉफिन, नॉर्मल कॉफिन थी,
इसके आगे लोग प्रे कर रहे थे या दुआ कर रहे थे, तो उसमें ये फोटो डाल के उन्होंने डाल दिया कि लड़की की एक नंगी टांगे दिखा रहे थे और वो बाहर आ रहे थे, तो उसको मैं कॉल आउट किया कि देखिए ये मतलब ये फोटोशॉप। तो उसको पिछले साल ही मुझे ट्विटर से लीगल नोटिस आई थी कि ये आप हटा दीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि हटा दीजिए, वो ट्विटर नोटिस में ये बताते नहीं है बिल्कुल कि ये हटा दीजिए, कि उनको वो बताते हैं कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये आदेश आया है या जो भी उनको नोटिफिकेशन आया है कि आप, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप हटा दीजिए, बट हमें आपको जानकारी देना चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नोटिस आई है या जो भी। एक तो लोग इस पे ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं जिसपे बहुत सारे रिट्वीट्स हो रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि एक्चुअल है, उसको मैं कॉल आउट करता हूँ और ये बताता हूँ कि ये देखिए ये गलत है और ये सही है, उस पर मुझे नोटिस आ जाती है, ट्विटर से ईमेल आ जाता है। और सिमिलरली मुझे दो दिन पहले, हाँ दो दिन पहले एक मैसेज आया था अगेन सेम थिंग। हमने जब असम के इलेक्शन के दौरान बहुत सारे मतलब पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे, उसमें एक क्लिप्ड वीडियो डाला गया था, वो बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने चलाया था, मतलब लोकल मीडिया चैनल जो हिमंता बिस्वा की वाइफ है उनका न्यूज़ चैनल है असम, तो उन्होंने चलाया था, वो क्लिप वीडियो था, मतलब एक लंबा वीडियो था जिसमें अजमल साहब पॉलिटिशियन है वो कुछ बता रहे हैं कि मतलब ऐसा पिछले मतलब अगर मुगल रूल में भी ऐसा नहीं हुआ ऐसा कुछ बता रहे थे, तो उसमें ऐसा क्लिप करके दिखा दिया कि ये देखिए ये बता रहे हैं कि अगर मुगल रूल होता तो अब तक मुस्लिम राष्ट्र बन जाता, मतलब वो क्लिपिंग उठा के डाल दिए थे। तो हमने उस पर फैक्ट चेक लिखा, फैक्ट चेक लिखने के बाद हमने वीडियो भी बनाया, अपने ऑल्ट न्यूज टीम ने वीडियो बनाया जिसमें कहा गया कि देखिए ये क्लिप पार्ट है और ये ओरिजिनल वीडियो है जिसमें ये इन्होंने कहा था, तो वो मैंने वीडियो शेयर किया था। और शेयर करते हुए मेरा एक और कमेंट भी था कि ये वीडियो को बहुत सारे बीजेपी मेंबर्स, राइट विंग ट्रोल्स और चैनल्स जो बीजेपी चलाती है, जैसे मतलब बीजेपी अब करंट सीएम की वाइफ जो चलाती है, उन्होंने सब ये न्यूज क्लिपिंग चलाई थी। तो उस पर मुझे वापस ये आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, विच आई एम श्योर कि ये ऑब्वियसली असम पुलिस या असम गवर्नमेंट के थ्रू आया होगा, जैसे असम हो गया या दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, उनके वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस कुछ भी के अगेंस्ट कुछ भी बोलो तो प्रॉब्ली मुझे लग रहा है कि ये पॉलिटिशियंस वुड अप्रोच द पुलिस, द लोकल पुलिस देयर, और वहाँ पे बिना जांच के ये मतलब, क्योंकि शायद इनको प्रेशर होता होगा कि ये निकलवाइए ट्विटर से, ये ट्विटर पे भेज देते हैं विदाउट एनी प्रूफ कि ये क्यों निकलवाना है, रीजन क्या है, मतलब कुछ अभी फैक्ट चेक का ही ले लीजिए कि मतलब पुलिस भी अगर बोल दे तो मतलब क्या रीजन दिया होगा ट्विटर को कि क्या वजह से निकालना होगा कि क्योंकि हमने फैक्ट चेक किया इसीलिए। फिर आपके ट्वीट से डर क्यों? इससे शायद मुझे लगता है कि ये हाईलाइट जैसा ट्विटर पे होता है, देखिए कोई फैक्ट चेक मैं व्हाट्सएप पे कर दूं और वहां पे किसी को करेक्ट कर दूं या फेसबुक पे करेक्ट कर दूं तो उसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ट्विटर पे ये किया है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया पर्सनालिटीज हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, बहुत सारे मतलब इवन फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं उनको, मतलब उनको दिखता है ट्वीट, और ये डर भी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये यूपी का केस ही ले लीजिए जो बहुत सारे जो मौतें हुए थे, जो लाशें दिख रही थी, अगर वही चीज सिर्फ व्हाट्सएप पे या सिर्फ ट्विटर पे सॉरी फेसबुक पे होती तो शायद ये लोग केयर नहीं करते, क्योंकि ट्विटर पे है, मतलब क्योंकि ट्विटर पे है और बहुत सारे लोग अपोजिशन उसको मतलब उसके ऊपर बात कर रही है, बहुत हाँ देख रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं, या बहुत सारे फॉरेन जर्नलिस्ट, जैसे कोई एक वीडियो आया तो प्रॉब्ली फॉरेन जर्नलिस्ट मतलब वो भी शायद उस पर इंटरेस्ट लेके वहां पे पहुंच जाए या उस पर उस खबर पे ज्यादा और लिखें, तो ये उनको उनका नैरेटिव मतलब ये कॉर्नर वो हो रहे हैं, तो इसीलिए वो ट्राई कर रहे हैं जितना हो सके ये अटैक करें यहाँ पे, जिस तरह से बहुत सारे नॉट जस्ट अस, मुझे याद है बहुत सारे फोटो जर्नलिस्ट जब वो यूपी में और बहुत सारी जगहों पे जो फोटोज लिए थे, जो राउटर्स के थे, जो एपी के जर्नलिस्ट थे फोटो जर्नलिस्ट, और बहुत सारे इंडिया के जर्नलिस्ट भी थे, वो जो जैसे ही फोटो लेते पीपल स्टार्टेड अटैकिंग देम इंडिविजुअली सेइंग ये देखिए ये पैसे के लिए फोटो ले रहे हैं, मतलब ये फोटो लेते हैं और 25-26 हज़ार में ये बाहर बेचते हैं, मतलब ये से के मतलब वो कुछ क्लेम्स था कि देखिए वल्चर जर्नलिज्म हो या जो भी वैसा नरेटिव, हाँ वैसा नरेटिव सेट करते हैं, मतलब इंडिविजुअल को अटैक करना, एक पहले होता है कि ट्रोल्स अटैक करते हैं, उसके बाद बहुत सारे प्रोमिनेंट मेंबर्स अटैक करना स्टार्ट करते हैं, उसकी वो हवा बना दी जाती है, उसके बाद आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट करते हैं राइट विंग पोर्टल्स में सेइंग कि देखिए ये ऐसा हो रहा है, तो पीपल वुड यूजुअली बिलीव, और उसके बाद गवर्नमेंट वुड
इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अटैक जी 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 ट्वीट करना ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे अक्सर सरकार के खास तौर से मोदी सरकार के या योगी सरकार के छक्के छूटने लगते हैं क्यों यह तो सरकार ही बताएगी लेकिन एक बात बहुत साफ है कि अगर आप सच को ट्वीट करें और आपको जानने पहचानने वाले लोग ज्यादा हैं तो सरकार के माथे पर बल पड़ जाता है परेशान हो जाते हैं ट्वीट के बल पर FIRs करा देती हैं सरकारें ऐसे ही एक शख्स हैं सूर्य प्रताप सिंह जो पूर्व IAS अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में रहते हैं उन्हें योगी सरकार ने पिछले एक साल से निशाने पे लिया हुआ है अब तक 7 FIR उनके ऊपर हो चुकी है और 7 FIR जो उन्होंने ट्वीट किया उसके आधार पर हुई है 5 जगह मामले दर्ज हुए हैं अलग अलग जगहों पर मामले दर्ज किए गए हैं ताकि उनको एक बार यहां जाना पड़े दूसरी बार 400 किलोमीटर दूर जाना पड़े और वे सारे के सारे ट्वीट कोरोना को लेकर सरकारी भ्रष्टाचार को लेकर सरकारी अनदेखी को लेकर है इन सब मामलों में किस तरह से सूर्य प्रताप सिंह को निशाने पे लिया गया और उसके जरिए योगी सरकार और पुलिस प्रशासन क्या हासिल करना चाह रही है इस पर हमने बात की सूर्य प्रताप जी से आइए सुनते हैं वे कैसे पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं ट्वीट मैंने किया था इस सरकार में इसमें मैंने देखा था कि सरकार कह रही थी कि हम लोग बहुत टेस्ट कर रहे हैं और कोरोना कंट्रोल में हो जाएगा उस वक्त कोरोना ज्यादा फैला नहीं था शुरू ही हुआ था 500 केस ऐसे 600 केस थे यूपी में तो मुझे पता चला कि जिलाधिकारी और कलेक्टर साहब आने हैं वो तमाम यहाँ लेबोरेटरी चूंकि लखनऊ में थी उन लैब्स में सैंपल भेज रहे हैं ब्लड के तो यहाँ पे फिर ये पता चला कि चीफ सेक्रेटरी ने उनको थोड़ा सा डाटा कि भाई तुम इतने सैंपल भेज रहे हो और हमारे पास तो फैसिलिटी नहीं है टेस्ट करने की तो इतना क्यों आप प्रोएक्टिव होकर ये कर रहे हो जल्दी मत करो तो मैंने उसी पर लिखा था कि प्रॉब्ली सरकार की जो पॉलिसी है वो नो टेस्ट नो कोरोना है टेस्ट ही मत करो कोरोना सामने आएगा नहीं इसलिए कम से कम टेस्ट कर रहे हैं ये आपका पहला FIR था इस पर ये मेरा 10 जून को मैंने ट्वीट किया था और 11 जून को शायद पहला FIR हुआ था जिसमें और बाकी का फिर सब अलग अलग ट्वीट हैं उसमें से 5-7 में से जो FIR है उसमें 5 तो कोरोना पे ही हैं जिसमें मैंने पॉलिसी क्वेश्चन किया जी जी एक चीज जो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो FIR हैं और अलग अलग जगहों जो मामले भी दर्ज हैं आपको अलग अलग जगह जाना पड़ रहा है ये आप कैसे देख रहे हैं ये एक नया ट्रेंड है हम देख रहे हैं पूरे देश में अलग अलग ढंग से ट्वीट करने पर लीगल नोटिस जा रही है FIR हो रही हैं इतना डर क्यों जरा से ट्वीट पर क्या लगता है आपको अब देखिए सारी घटना को जो बड़ी बड़ी बड़ा दृश्य है उसे कैसे देखते हैं सरकार अपने आलोचकों को दबाना चाहती है सरकार अपनी बुराई नहीं चुनना चाहती सरकार अपनी कमियां खामियों को जो लोग दिखाते हैं वो नहीं सुनना चाहती सरकार सरकार को केवल चमचागिरी चाहिए सरकार को प्रशंसा चाहिए अब मैं उनसे कहता हूँ कि तमाम आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है चाहे प्रिंट है या विजुअल मीडिया है वो तो आपकी चमचागिरी कर ही रहा है सच्चाई भी तो दिखाने दो कुछ लोगों को ताकि आप तक परामर्श पहुंचे आपको सुझाव मिले आपको समस्याएं लोगों की उठें आप उनका समाधान कर सकें क्यों चाहते हो खाली अच्छी अच्छी चीजें दिखाएं लोग तो ये मैं सरकार से पूछा करता हूँ सवाल ये तो मुझे लगता है कि अलग अलग जो FIR करने का आपने मुद्दा कहा ये है ताकि परेशान किया जा सके जैसे मेरे एक मुकदमा मुझे उन्नाव में गया थाने में बुलाया गया उसके बाद बलिया बुलाया जा रहा है विच इज वे लॉन्ग यहाँ से करीब 400 किलोमीटर है 380 किलोमीटर ताकि मेरा हरासमेंट हो ताकि मैं परेशान हूँ और मैं बार बार लखनऊ में ही मेरे खिलाफ 2 FIR हुई है मैं लखनऊ थाने भी गया था मैंने कि मुझे परेशान मत करो मुझे एक बार गिरफ्तार कर लो और जेल में डाल दो तो बात खत्म हो जाएगी एक बार 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 क्यों परेशान करते हो तो मैं थाने गया था अपना बैग भी लेके गया था कि व्हाई डोंट यू अरेस्ट मी बात खत्म हो जब इतनी आप जटिल धाराएं लगाते हो मुझे देशद्रोही कहते हो आप मुझे अभी यहाँ पे कौन कौन सी धाराएं लगी हैं जो 5 मामले दर्ज हैं अलग अलग जगह देखिए आपको पता होगा CRPC की 3 धाराएं ऐसी हैं जिसमें जो अंग्रेजों ने निकाल की है ड्रैकोनियन लॉ जिसको कहते हैं उसमें 124A है चूंकि मैं लॉबी कर रहा हूँ अभी मेरा खत्म होने वाला लॉबी और 505 है IPC की जो राज्य सरकार के अगेंस्ट मिसचीफ का है जो स्टेट के अगेंस्ट मिसचीफ है 505 और 124A है जो राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध करना है वो है और 295A है जो विभिन्न जो धर्म है उनको उकसा के उनमें दंगा कराना ये जो मुद्दे हैं
या अंग्रेज इनको इस्तेमाल किया करते, तो मेरे विरुद्ध 505 लगाई इन्होंने कि मैं राज्य सरकार के अगेंस्ट निश्चित कर रहा हूँ, सरकार को मैं सता रहा हूँ, गिराना चाहता हूँ सरकार को। तो एक तरह का देशद्रोह है, सरकार द्रोह एक तरह का ये हो गया। बार बार आदमी चीजें कॉग्निजेबल नॉन वेलेबल ऑफेंस जिसमें वो अरेस्ट कर सकते हैं मुझको। जी एक बिल्कुल सीधा सा सवाल, एक ट्वीट से योगी सरकार इतना क्यों परेशान हो रही है और लगातार एक साल से कर रही है, कई बार आपको ट्वीट डिलीट भी करने पड़े, अलग अलग ढंग के मामले भी सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि और चुनाव की तैयारी भी आपके प्रदेश में शुरू हो गई है, तो पूरा जो माहौल है वो किस तरह का है? लेकिन सरकार, मुझे लगता है सरकार से पूछना चाहिए वैसे तो, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार बार बार मुझे परेशान करने का मतलब सरकार मेरी ट्वीट से इफेक्ट होती है, अब एडवर्सली होती है पॉजिटिवली होती है ये तो सरकार जाने, क्योंकि इनको पता है कि जो यूथ है, मैं पिछले 7.5 साल हो गए मुझे काम करते हुए, ये यूथ है मुझे फॉलो करता है, मुझे हर जिले में यूथ फॉलो। अब देखिए मैं बलिया जा रहा हूँ, अब देखिए किस कदर लोग इकट्ठे होंगे, जो बच्चे मुझे फोन कर रहे हैं सर हम आएंगे वहां, सर हम देख लेंगे सरकार को, अब देख सकते हैं सर, उनको लगता है कि हो सकता है बलिया मेरा जाना बैन भी कर देंगे, क्योंकि बलिया में काफी उधम होने वाला है। देखिए हम जैसे लोग खाली इतना ही कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज धीमे धीमे खत्म हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि पूर्ण डेमोक्रेसी तो नहीं है, देश की तो मैं नहीं कह सकता चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में ही काम करता हूँ, अधूरी आधी अधूरी डेमोक्रेसी है जिसमें आप चुन देते हो, चुन के पहुंचते हैं लोग, फिर वो मनमानी करते हैं। डेमोक्रेसी में जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ अकाउंटेबिलिटी चुने हुए प्रतिनिधियों की जनता के प्रति नहीं है, पार्टी के प्रति है, संविधान के प्रति नहीं है, पार्टी या व्यक्ति के प्रति है। तो आधी अधूरी डेमोक्रेसी है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए हम लोग जगा रहे हैं लोगों को। बहुत साफ बात है कि चाहे वह कश्मीर के पत्रकार हों जो बहुत लंबे समय से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, फोटो के जरिए, लेख के जरिए, वीडियो के जरिए, जिन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, या फिर मणिपुर या पूरे देश में अलग अलग छोटे छोटे जगहों पर फैले पत्रकार, लेखक, एक्टिविस्ट, आईएएस अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी, सारे लोग, इन सारे लोगों से सरकार इसलिए परेशान है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो महल बनाया है, जो अवधारणा का महल खड़ा किया है, जो अच्छे दिन का पूरा भुलावा कोरोना महामारी में भी कायम रखने की कोशिश की है, वह सब टूट सकता है। एक पत्थर से उन्हें डर है कि उनकी शीशे की इमारत चकनाचूर हो जाएगी, वरना एक कार्टून, एक स्टेटमेंट, एक आर्टिकल, एक ट्वीट, भला इतनी ताकतवर सरकार का क्या बिगाड़ सकती है? लेकिन बिगाड़ तो रही है, और शायद यही आवाज की और सच की ताकत है जिसे हम जिंदा रखते हैं आपकी मदद से। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए न्यूज क्लिक, सब्सक्राइब करिए ताकि इस सच को हम जिंदा रख सकें। शुक्रिया।